गुरुकुल के ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों का मैं तहे दिल से सादर अभिनंदन करता हूं। छठगन, जिंदगी की रेस में आप जितनी तेज भागेंगे उतना ही आनंद भी है और उतनी ही सफलता उच्च सर्वोच्च उच्चतम शिखर पर आप मौजूद रहेंगे। छठगन, फास्ट एक्टिव ब्रेन आपकी सफलता का मापदंड तय करता है, इसलिए ब्रेन को सदा कंसंट्रेशन के साथ एकाग्रता के साथ हमेशा बनाए रखें। इसके लिए क्या करें छठगन, कैसे ब्रेन आपका एक्टिव रहे, कैसे ब्रेन आपका सही दिशा में काम करे, एक ज्यादा इमोशनल और संवेदनशील ना बने, तो नींद पर्याप्त ले छात्रगण। कोई कितना भी कहे कि मैं रात भर जग करके पढ़ता हूं, नहीं, इन सब चीजों पर आपको जो है अमल नहीं करना है। रात्रि सोने के लिए बनी है छात्रगण, प्रकृति के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके हम लोगों ने देख लिया है, चाहे सुनामी हो, चाहे कोरोना हो, चाहे अन्य कोई भी चीज हो, छठगन प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। रात सोने के लिए बनी है, इसलिए रात को भरपूर नींद ले, सुबह उठ करके पढ़ें, रात को जल्दी सो जाएं। जितनी नींद आपकी अच्छी होगी उतना ही ब्रेन आपका एक्टिव तरोताजा होगा। छठगन, योगा प्राणायाम भी आपके ब्रेन की खुराक हैं और आपके एक्टिव ब्रेन को, आपके ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं और आपके अंदर में मेमोरी पावर को और भी शार्प करते हैं। इसलिए छठगन, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, जो कहा गया है वो गलत नहीं कहा गया है। ध्यान दें इस चीज को और अपने दिमाग को हमेशा तरोताजा एक्टिव बना करके रखें। छठगन, कौन क्या कहता है नहीं कहता है, आपके बारे में कौन क्या विचारधारा रखता है, लोग क्या कहते हैं, समाज क्या कहता है, इन सब चीजों को बिल्कुल भी ध्यान न दे छठगन, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना छठगन। जिंदगी अपने तरीके से, अपनी मर्जी से, अपनी शांति सुकून और बिंदासपन के लिए जी जाती है। हम सबसे ज्यादा अफसोस की बात है कि हम दूसरों की पसंद से अपनी जिंदगी जीते हैं, दिखावा उसमें आ जाता है छठगन, और यही जिंदगी के लिए घातक हो जाता है। छठगन, इन्हीं सब बहुत ही सकारात्मक बातों के साथ कक्षाओं की शुरुआत करना चाहूंगा। आज एक नए टॉपिक की ओर मैं आप लोगों को ले जा रहा हूं, चोल साम्राज्य। हेडिंग बनाएगा छठगन अपने नोट्स कॉपी में, चोल साम्राज्य लिखिए। चोल साम्राज्य का कार्यकाल, चोल साम्राज्य का कार्यकाल 9वीं से 12वीं शताब्दी तक था। 9वीं से, नवम यानी नाइन्थ टू 12 एडी, 900 से 1200 ईस्वी सन तक था। नेक्स्ट, चोल साम्राज्य दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक के क्षेत्र में फैला हुआ था। नेक्स्ट, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में तथा अशोक ने अपने अभिलेखों में चोल साम्राज्य का वर्णन किया है, है। नेक्स्ट, चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। बहुत हिट क्वेश्चन है छात्रगण, चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। इसने तमिलनाडु के तंजौर या
तंजौर को चोल साम्राज्य की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट, चोल प्रारंभ में पल्लवों के सामंत थे। चोल प्रारंभ में पल्लवों के सामंत थे। नेक्स्ट, विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, विजयालय के पश्चात आदित्य प्रथम शासक बना। इसने को दंडराम की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, इसके पश्चात परांतक प्रथम चोल वंश का शासक बना। इसने पांड्य राज्य को जीतकर उसकी राजधानी मदुरई पर कब्जा कर लिया तथा मदुरई कोंड अर्थात मदुरई का विजेता की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, इसके पश्चात राजा प्रथम का वास्तविक नाम आदि मोली वर्मन था। नेक्स्ट, इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट, राजा प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीत लिया तथा श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर के स्थान पर पोलो नरवा को राजधानी बनाया
बनाया तथा इसका नया नाम नाम जयनाथ मंगलम रखा था। जयनाथ मंगलम रखा था। नेक्स्ट राजराजा प्रथम ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट राजराजा प्रथम ने श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर को जला डाला था। नेक्स्ट राजराजा प्रथम चोल शासक था जिसने प्रजा को अभिलेखों के माध्यम से संदेश दिया था। नेक्स्ट राजराजा प्रथम ने तंजौर में राज राजेश्वर बहुत हिट क्वेश्चन है छात्रगण या बृहदेश्वर राज राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है नेक्स्ट हेडिंग बनेगा छात्रगण राजेंद्र प्रथम लिखेगा। यह राजराजा प्रथम का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था नेक्स्ट इसके कार्यकाल में चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था नेक्स्ट राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया। उस समय श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम थे नेक्स्ट राजेंद्र प्रथम पहला चोल शासक था जिसने उत्तर भारत का अभियान किया था
उत्तर भारत का अभियान किया था तथा बंगाल और बिहार के गंगा घाटी क्षेत्र में मौजूद पाल वंश के शासक महिपाल प्रथम को पराजित कर गंगा क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया तथा गंगा क्षेत्र को जीतने के उपलक्ष्य में इसने निम्न महत्वपूर्ण कार्य किए थे। नंबर एक गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। इनवाइट कमांड लाइक चार्ट बहुत हिट क्वेश्चन है। गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ गंगा क्षेत्र का चोल विजेता होता है। नंबर दो, गंगैकोंड चोलपुरम नमक एक नया नगर तमिलनाडु में कावेरी नदी के तट पर स्थापित किया तथा इसे चोल साम्राज्य की नई राजधानी बनाया था। नेक्स्ट त्रिपुरेश्वर, गंगैकोंड चोलपुरम में चोल गंगम नमक तालाब सिंचाई के लिए निर्मित करवाया था। नेक्स्ट, राजेंद्र प्रथम के समय चोलों की नौसेना इतनी मजबूत थी कि बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा जाता था। चोलों की झील कहा जाता था। नेक्स्ट, राजेंद्र प्रथम के पश्चात
इसके पश्चात राजेंद्र द्वितीय शासक बना, जिसने प्रकेसरी केसरी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, चोल वंश में एक ऐसा शासक भी हुआ जिसने चोल चालुक्य वंश की स्थापना की थी तथा उसका नाम कुलोत्तुंग प्रथम था। नेक्स्ट, कुलोत्तुंग प्रथम ने 72 सदस्यों का एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल चीन भेजा था नेक्स्ट, चोल शासक कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदंबरम मंदिर में स्थित गोविंद राज अर्थात भगवान विष्णु की प्रतिमा को समुद्र में फेंकवा दिया था, जिसे वैष्णव आचार्य रामानुज ने समुद्र से निकलवाकर इसे तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर स्थापित करवाया था। छठगन कुलोत्तुंग द्वितीय की जगह कुलोत्तुंग प्रथम आप लिखेंगे, कुलोत्तुंग प्रथम ने जो है चिदंबरम मंदिर को में विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवाया था, कुलोत्तुंग प्रथम लिखेंगे, कुलोत्तुंग द्वितीय नहीं, कुलोत्तुंग प्रथम है ना। नेक्स्ट, चोल साम्राज्य के अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय थे। चोल साम्राज्य के अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय थे। छठगन, क्या सवाल आएंगे प्रतियोगिता परीक्षाओं में, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और जबरदस्त रूप से आता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में। पूछेगा चोल साम्राज्य का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 9वीं से 12वीं शताब्दी तक था। छात्रगण ध्यान रखिएगा, चोल साम्राज्य दक्षिण भारत के किन राज्यों में फैला हुआ था, तो तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के इलाके में फैला हुआ था, मुख्य रूप से यह तमिलनाडु में फैला हुआ था।
चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने की थी, छतगण विजयालय ने इसका संस्थापक था। बहुत ही हिट क्वेश्चन है। चोल साम्राज्य की राजधानी कहां थी? तंजौर या तंजाउर थी, जो कि तमिलनाडु में है। विजयालय ने स्थापित किया था, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। विजयालय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? नरकेसरी की उपाधि धारण की थी, छतगण नरकेसरी की उपाधि धारण की थी विजयालय ने। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा। छतगण विजयालय के पश्चात जो शासक चोल साम्राज्य में बने हैं उनको भी आपको ध्यान रखना होगा और उनको भी याद रखना होगा। पूछेगा किस शासक ने जो है कोडंडराम की उपाधि धारण की थी? तो आदित्य प्रथम ने कोडंडराम की उपाधि धारण की थी। किस शासक ने मदुरई कोंड की उपाधि धारण की थी? तो परांतक प्रथम ने मदुरई कोंड की उपाधि धारण की थी। किस शासक ने तंजौर का राज राजेश्वर या विधेश्वर मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित है, बनवाया था? राजराजा प्रथम ने बनवाया था। शिवपाद शेखर की उपाधि किसने धारण की थी? राजराजा प्रथम ने उपाधि धारण की थी शिवपाद शेखर की। एक एक क्वेश्चन छतगण इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। एक एक क्वेश्चन पर आपको पैनी निगाह रखनी होगी, एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना होगा, मनन करना होगा। पूछेगा श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर को जला डाला था, यह किस शासक ने किया था? छतगण यह राजराजा प्रथम का कार्यकाल में हुआ था, ध्यान रखिएगा। उस समय श्रीलंका के शासक कौन थे? महेंद्र पंचम थे। राजराजा प्रथम ने अनुराधापुर के स्थान पर श्रीलंका की नई राजधानी किसे बनाया था? पोलो नरवा का, और उसका नाम जगन्नाथ मंगलम रखा था, ध्यान रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छतगण दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी होगी, राजराजा प्रथम का वास्तविक नाम अरिमोली वर्मन था और यह पहला चोल शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संदेश दिया था। शिवपाद शेखर की उपाधि धारण करना इस बात को सत्यापित करता है कि यह भगवान शिव का परम भक्त था। इसे भी छात्रगण आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा और एक एक चीजों को छात्रगण गौर करना होगा। एक एक चीजें प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और जबरदस्त रूप से आती है। छात्रगण दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी होगी, राजराजा प्रथम के पश्चात इसका पुत्र राजेंद्र प्रथम उत्तराधिकारी बना। छतगण आपने कहावत सुनी होगी, बाप ने मारी मेहकी बेटा तीरंदाज। बाप ने मेहक मारने का कार्य किया और बेटा तीरंदाज बन गया, है ना छतगण? यही कहावत को शत प्रतिशत चरितार्थ किया था राजेंद्र प्रथम ने। छतगण क्या किया राजेंद्र प्रथम ने? राजेंद्र प्रथम ने पिता के अधूरे ख्वाब को पूरा किया, संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया। छतगण पिता ने केवल श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीता था लेकिन पुत्र ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया, जिसका नाम था राजेंद्र प्रथम, ध्यान रखिएगा। बहुत हिट क्वेश्चन है और यह भी जबरदस्त रूप से प्रतियोगिता परीक्षाओं में छात्रगण पूछा जाता है, पैनी निगाहें आपकी होनी चाहिए। दूसरी बात छात्रगण पूछेगा, संपूर्ण श्रीलंका को किस चोल शासक ने जीता था? राजेंद्र प्रथम ने। किसके शासनकाल को चोलों की झील कहा जाता था? राजेंद्र प्रथम के शासनकाल को चोलों की झील कहा जाता था छात्रगण। क्यों? बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा जाने लगा था छात्रगण राजेंद्र प्रथम के कार्यकाल को, क्योंकि राजेंद्र प्रथम के कार्यकाल में चोलों की नौसेना इतनी मजबूत और विशाल बन गई थी कि राजेंद्र प्रथम के कार्यकाल में संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया के देशों इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, मलाया, मालदीव पर चोलों ने कब्जा कर लिया था अपनी नौसेना की सहायता से। इसलिए बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा जाता था छात्रगण, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं का पैनी निगाहें आपको रखनी होगी छात्रगण, ध्यान देंगे। छात्रगण चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने एक और भी महत्वपूर्ण कार्य किया था। छात्रगण इसने एक रिकॉर्ड बनाया। क्या था यह रिकॉर्ड? यह पहला चोल शासक था जिसने उत्तर भारत का अभियान किया था दक्षिण भारत को छोड़ करके। छतगण बंगाल बिहार के कलिंग के क्षेत्र के गंगा नदी घाटी क्षेत्र के क्षेत्र पर इसने आक्रमण किया और पाल वंश के शासक महिपाल प्रथम को पराजित कर गंगा घाटी क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। छतगण गंगा घाटी क्षेत्र पर इसने अधिकार तो कर लिया और गंगा क्षेत्र को जीतने के उपलक्ष्य में जो इसने तीन कार्य किए थे,
तीनों कार्य एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। पहला कार्य था छात्रगण गंगा कोंड चोल की उपाधि धारण की, गंगा क्षेत्र का चोल विजेता पूछेगा किस चोल शासक ने गंगा कोंड चोल की उपाधि धारण की थी, राजेंद्र प्रथम ने उपाधि धारण की थी। दूसरा, इसने गंगा कोंड चोलपुरम नामक एक नया शहर बसाया था छात्रगण, है ना, गंगा कोंड चोलपुरम नामक एक नया शहर बसाया था, कहां, दक्षिण भारत में तमिलनाडु में कावेरी नदी के तट पर, और इसे चोल साम्राज्य की नवीन राजधानी, नई राजधानी भी बनाया था, इसे भी छात्रगण आपको ध्यान रखना होगा। तीसरा, गंगा कोंड चोलपुरम नामक नए शहर नई राजधानी में इसने सिंचाई के लिए गंगा नदी के नाम से युक्त चोल गंगम तालाब की स्थापना की थी। छात्रगण चोल गंगम तालाब भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंचाई के लिए स्थापित किया गया था। आप देख रहे हैं छात्रगण गंगा क्षेत्र को इसने जीता, बिहार बंगाल कलिंग के क्षेत्र को इसने जीता, और उस जीत के उपलक्ष्य में तीन कार्य किए जिसमें तीनों में गंगा का उल्लेख मिलता है। कितनी पवित्र नदी थी छात्रगण, ध्यान रखिएगा, गंगा कोंड चोल गंगा का नाम, गंगा क्षेत्र का चोल विजेता, गंगा कोंड चोलपुरम, गंगा कोंड चोलपुरम यहां भी गंगा नाम, गंगा कोंड चोलपुरम नया नगर नवीन राजधानी चोलों की, चोल गंगम सिंचाई के लिए तालाब दक्षिण भारत में कावेरी नदी के तट पर गंगा कोंड चोलपुरम शहर में, ध्यान रखेंगे छतगण बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छतगण राजेंद्र प्रथम से जुड़े हुए हर पहलुओं को याद रखेगा। छतगण राजेंद्र प्रथम के पश्चात चोल साम्राज्य कमजोर होता चला गया और इसके बाद अयोग्य उत्तराधिकारियों का दौर शुरू हुआ। यद्यपि कुलोत्तुंग प्रथम ने चोल चालुक्य वंश की स्थापना की थी छतगण, लेकिन धीरे धीरे करके चोल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया और राजेंद्र तृतीय चोल साम्राज्य का अंतिम शासक था। पूछेगा चोल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, राजेंद्र तृतीय था। पूछेगा किस चोल शासक ने गोविंद राज की प्रतिमा को समुद्र में फेंकवा दिया था, कुलोत्तुंग प्रथम ने, इस प्रतिमा को किस संत ने निकलवा कर तिरुपति बालाजी मंदिर में स्थापित करवाया था, रामानुजाचार्य ने। तो छतगण इन सभी चीजों को गौर करेंगे, इन सभी चीजों को याद रखेंगे, इन सभी चीजों को मनन करेंगे, इन सभी चीजों का अध्ययन करेंगे, है ना। तो छतगण चोल साम्राज्य की राजनीतिक अवस्था आज हम लोगों ने पढ़ा है, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग जानेंगे छतगण चोल कालीन प्रशासन और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य, है ना, और नए चैप्टर की ओर भी हम लोग प्रवेश करेंगे। लेकिन अभी चोल साम्राज्य हम लोगों को पहले खत्म कर लेना है, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे छतगण। तब तक के लिए आप सबों को मेरी शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद, शुभ अलविदा।